प्रॉब्लम्स क्यों होते हैं क्रॉनिक? क्रॉनिक यानी क्या? एक बीमारी ठीक नहीं होती है, सालों सालों तक बढ़ती रहती है। क्यों? मैं एक सिंपल एग्जांपल देता हूं, गर्दन का। गर्दन का प्रॉब्लम क्यों होता है? क्योंकि गॉल ब्लैडर टनल हमारा और लीवर खराब होती है, तब प्रॉब्लम्स आते हैं। व्हेन यू आर हैविंग द बैड फूड, खराब फूड रहता है, तो हम क्यों बीमार पड़ते हैं? क्योंकि हम खाना कौन सा खाते हैं? ऐसा गंदा खाना खाते हैं जो दिखने के लिए इतना डेंजर दिखता है कि नहीं, दिखता है कि नहीं डेंजर देखने के लिए, फिर भी हम खाते हैं। बाद में दिन रात मोबाइल पे रहते हैं लोग, नया डेविल जैसा राक्षस बन गया है। सब बच्चे भी अभी मोबाइल यूज करते हैं, करते हैं कि नहीं? मोबाइल का क्या काम था? मोबाइल क्यों तैयार किया था? कि जब आप बाहर गांव जाए, बाहर एरिया में जाएंगे, घर पे नहीं रहेंगे, तो बीच में आपको पता चलना कि आप है किधर है क्या है, इसके इतने के लिए वो निकाला था मोबाइल। लेकिन अभी मोबाइल इतना यूज बढ़ गया है कि आदमी ने सब कुछ छोड़ा है, सिर्फ मोबाइल पकड़ के रहते। आप चलते चलते किसी देखते भी नहीं किसी को, चलते चलते भी सिर्फ ऐसा ही जाते कि बाद में ट्रेन के ऊपर आके ट्रेन भी ऊपर से गुजर करके पता नहीं चलता। दो लवर बगीचे में जाते घूमने के लिए अभी, और घूमते घूमते लड़का ये साइड में मोबाइल पे, लड़की ये साइड में मोबाइल पे, 2 घंटा घूमने के बाद मोबाइल पे घर आते, पता नहीं किसके साथ था। ये हालत बन गई है। लेकिन ये मोबाइल कितना डेंजर है मालूम है आपको? जस्ट लाइक माइक्रोवेव ओवन मालूम है ना, जिसमें आप ब्रेड भी डालेंगे तो खराब हो जाएगा, यानी ज्यादा देर तक रखेंगे तो पूरा काला भी हो जाएगा। तो ये माइक्रोवेव ओवन मोबाइल में है। मोबाइल अगर आप यूज करेंगे तो अगर टच करके यूज करते हैं तो आपने बहुत लोगों ने देखा होगा 10-15 मिनट आधा घंटा। क्या हुआ है कि पहले जब जमाने में मोबाइल 40 रुपया इनकमिंग और 40 रुपया आउटगोइंग था, मालूम है क्या? AT&T ने जब निकाला था 40 रुपया इनकमिंग 40 रुपया आउटगोइंग। अभी क्या हुआ है? पूरा फ्री, घंटों बाद। पहले क्या था? हेलो हाँ मैं पहुंच गया हूँ, ओके रखता हूँ बस, इतना भी बहुत डैमेजिंग था। अभी प्रॉब्लम इतना हो गया कि पूरा फ्री, घंटों तक बैठे रहते, क्या मालूम नहीं क्या बोलते हैं। लड़कियां और ऐसी बोलती है कि मालूम ही नहीं रहता उनको क्या बोलती है, मालूम यही वर्ड घुमा फिरा के वही बोलती रहती है, मुफ्त में है ना। हर मोबाइल कंपनी का अगर बुक पढ़ लेंगे आप, उसके ऊपर लिखा हुआ है कि आप मोबाइल 15 mm इतना दूर रखना है बॉडी से। और हम क्या करते हैं? लगा के बात करते हैं, पूरा हॉट हो जाता है, देखा है आपने। और बच्चों ने अगर वो मोबाइल लिया तो उसका क्या असर होता है? पूरा जल जाता है। हमारे पास हर साल 1-2 पेशेंट ऐसे आते हैं, बच्चे 13-13 साल, 2-9 साल, 10 साल के, अच्छे दिमाग वाले, लेकिन पूरे पैरालाइज होके आते हैं। माँ बाप उनको मोबाइल भी देता है खेलने को, पैसा है अभी खेलो, और बाद में रोते हैं कि वो बच्चा खत्म हो गया। किसके कारण? आप ही के कारण। क्या जरूरत है मोबाइल यूज करने की? जब जरूरत है उधर ही उतना यूज करो ना। और एक बड़ा राक्षस है व्हाट्सएप। कुछ भी अंदर सही कुछ नहीं रहता है, कोई ऐसा ही लिख के भेजता है और बाकी लोग हाँ ऐसा है क्या करके देखते हैं। किसी ने बोला करेला का जूस निकालो, उसमें पाव डालो, ऐसा करते रहो तो आपकी शुगर नॉर्मल हो जाएगी। करेला तो बहुत बेकार, बहुत लोगों ने करना चालू किया, करेला खत्म हो गया, लेकिन डायबिटीज उधर ही है। ऐसा हर व्हाट्सएप का जो मैसेज है वो सिर्फ पैसे के लिए किया जाता है, कंपनी को मिलता है, जितना आप भेजेंगे उतना पैसा मिलता है। तो कोई भी मैसेज ऐसे ही वही तैयार करते हैं, वही कंपनी वाले तैयार करते हैं और भेज देते हैं, और बात लोग फॉरवर्ड करते हैं। तो ये मोबाइल इतना डेंजर है
कि आप अगर कार में जाएंगे और मोबाइल यूज करेंगे तो कार में क्या होता है, पूरा पतला रहता है, तो आपका जो व्यूज है वो उसको हीट होके अंदर आता है और वो माइक्रोवेव में जैसा पतले के ऊपर जाके आता है वैसा माइक्रोवेव जैसा बन जाता है। और कार में अगर आप मोबाइल यूज करते हैं तो यू आर फीलिंग लाइक बर्निंग सेंसेशन। इसलिए आप कभी भी मोबाइल कार में यूज मत करो। और जब लॉन्ग ड्राइव पे जाएंगे तो आपका रेंज नहीं मिलता है, तो मोबाइल का रेडिएशन इतना फास्ट हो जाता है कि वो टावर ढूंढता है किधर है किधर है किधर है करके। और तब अगर चार पांच लोग अगर गाड़ी में बैठे हैं और पांच मोबाइल अगर ढूंढते हैं तो अंदर कितना व्यूज तैयार होता है रेडिएशन, आप खत्म हो जाते हैं, आपको पता नहीं चलता है, क्योंकि बॉडी भगवान ने ऐसी बनाई है कि वो रिपेयर फास्ट होती है, लेकिन कितना तक रिपेयर हो जाएगी, एक दिन खत्म हो जाती है। जब चाहिए उतना यूज करो, कुछ फायदा नहीं है। कितने लोग हमारे पास आते हैं, कितने बच्चे लोग आते हैं जिनका आंख खराब हो जाता है मोबाइल के कारण। अभी तो आंख का कैंसर चालू हो गया है, कितने लोगों को आंख का कैंसर होता है, फोटोफोबिया होता है, यानी मोबाइल के कारण उनका आंख में लाइट लेना ही मुश्किल होता है, बाद में किधर भी गए तो वो लाइट भी नहीं ले सकते। इतना होने तक क्यों रुकना है हमको, तो बेटर कीप योर सेल्फ हेल्थी एंड अवे फ्रॉम मोबाइल। तो मोबाइल अपने बेड पे भी मत रखना, बेड के साथ नहीं रखना है, रात को जितना दूर हो सके उतना रखो, देन यू विल कीप योर सेल्फ हेल्थी एंड प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम मोबाइल। अभी ये मोबाइल का प्रॉब्लम हो गया, ये मोबाइल के कारण और इसके कारण क्या खत्म होता है, हमारा लीवर खराब होता है, ये खाने का कारण, इसके कारण लीवर खराब होती है, लीवर और गॉल ब्लैडर खराब होती है। ये दोनों खराब होने के बाद आपको पेन चालू होता है गर्दन में, क्योंकि ये गॉल ब्लैडर चैनल इधर से रन होता है, आप देख सकते हैं कि ऐसा रन होता है पूरा, तो उधर रन होने के बाद इधर पेन आना चालू होता है। आप डॉक्टर के पास जाने के बाद डॉक्टर बोलते हैं स्पॉन्डिलोलिसिस प्रॉब्लम है, स्पॉन्डिलोलिसिस कुछ नहीं रहता है, लेकिन वो गॉल ब्लैडर चैनल में एक्सेस एनर्जी होने के कारण आपको पेन होता है। अभी वो पेन होने के बाद आपको क्या देते हैं डॉक्टर, पेन किलर देते हैं। पेन किलर किसको खराब करते हैं, किडनी और लीवर। लीवर और किडनी को खराब करने के बाद किडनी हमारी बॉडी को क्या कंट्रोल करती है, बोन एंड कार्टिलेज, तो बोन एंड कार्टिलेज खराब हो जाता है, उसके कारण बोन डिजनरेशन चालू होता है और बाद में स्लिप डिस्क प्रॉब्लम हो जाता है। सीधा साधा प्रॉब्लम ऑफ लीवर का, उसके कारण गॉल ब्लैडर प्रॉब्लम हो जाते हैं, गॉल ब्लैडर के कारण बाद में आप जब दवा लेते हैं उसके कारण बाद में स्लिप डिस्क होता है, क्योंकि मसल वीक हो गए तो डिस्क स्लिप होता है। और पेन किलर्स लेते हैं, करते करते आप पेन किलर्स में रहते हैं और आपका गॉल ब्लैडर चैनल बढ़ता ही रहता है और लीवर वीक होता ही रहता है, तो आप बीमार और बीमारी लेके आते हैं, यानी ज्यादा क्रॉनिक हो जाते हैं। दवा से कुछ ठीक होता है क्या, पेन किलर का नाम क्या है, किलिंग ऑफ पेन। अभी वो क्या होता है, उसका असर क्या है पेन किलर का मालूम है, पेन को नहीं किल करता है, सिर्फ डिवाइन गेट हमारे ब्रेन के अंदर जो नीचे जो डिवाइन गेट रहती है, जिधर से हमारे पूरा जो नर्व्स का जो न्यूरॉन्स ब्रेन तक लेके जाता है सेंसेशन बताने के लिए कि हमारा नीचे किधर पेन है, वो बंद होता है सिर्फ। और वो बंद होने के बाद हमको लगता है कि वी आर रिलीव्ड, एक गेट खुला होने के बाद जो न्यूरॉन्स उधर पूरे पड़े हैं पूरा ब्रेन के साथ जाते हैं, तब ब्रेन पूरा हैरान होता है क्या हुआ है, तब पूरा एरिया प्रॉब्लम और बढ़ जाता है। तो पेन किलर लेने के बाद लोगों को लगता है कि मैं ठीक हो गया हूं, कमर अभी ठीक है, कमर ठीक नहीं होती, सिर्फ ब्रेन को पता नहीं नीचे क्या चल रहा है, लेकिन हम क्या सोचते कि हम ठीक है अभी पेन नहीं है, तो हम कैसा भी उल्टा सीधा कुछ भी काम करते हैं, तो हम क्या होता है हमारे को पूरा डेंजर पूरा और डैमेज होता है, बीमारी ठीक नहीं होती है, सिर्फ उसको रिलीफ मिलता है, ब्रेन को पता नहीं चलता नीचे क्या चल रहा है। जैसा अगर बाहर कुछ लड़ाई चल रही है तो हम हमारी आंख बंद करके अगर और कान बंद करके बैठेंगे हमको कुछ पता नहीं चलेगा, और जब हम बाहर जाएंगे सब मरे पड़े हैं तो क्या होगा, हमारा दिखने के बाद पूरा कलेक्स हो जाएंगे हम दिखने के बाद,
वही हमारी स्थिति होती है। जब गोली लेते हैं रेगुलर और उसको कंट्रोल करते हैं, अचानक सब सेंसेशन जब ब्रेन के ऊपर चला जाता है तब हमको प्रॉब्लम पता चलते। सो वी मस्ट नॉट टेक पेन किलर। एक पेन किलर बस है आपको किडनी और लीवर खत्म करने के लिए।